नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। बड़ी खबर आज ये है कि रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया अपने हालिया इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि आज जो भारत के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एनपीए बन चुका है और बहुत सारा पैसा एनपीए बनने की तरफ जा रहा था, उसके जो बीज थे वो 2007 और 8 में यूपीए की गवर्नमेंट ने बो दिए थे और इसको लेकर हमने कदम उठाने की कोशिश की थी। दरअसल रघुराम राजन अपने उस पूरे कार्यकाल को लेकर सफाई दे रहे थे, जिसमें निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि रघुराम राजन के आरबीआई गवर्नर रहते और प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया देश के लिए, आज तक उसको भुगतना पड़ रहा है। तो अब रघुराम राजन ने खुद को फंसता हुआ देखकर ये भी बताने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल का जो बड़ा हिस्सा है वो मोदी गवर्नमेंट में रहा था और 8 महीने उन्होंने मनमोहन सिंह के अंडर में काम किया था। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब रघुराम राजन को ये सारी बातें पता थी तो वो अब तक क्यों राजनीति करते रहे थे और क्यों मोदी सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाते रहे थे? एनपीए को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें बनाई थी और कांग्रेस की तरफ से जब एनपीए को लेकर दुष्प्रचार और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी, राहुल गांधी एनपीए पर ज्ञान बांट रहा था और ज्ञान की उल्टियां कर रहा था, उस समय रघुराम राजन क्यों चुप रहे और उन सारी बातों को क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं उन्होंने आगे आकर ये कहा कि आज जो कांग्रेस गवर्नमेंट, चाहे मनमोहन हो, चिदंबरम हो या दूसरे नेता हो, एनपीए को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बीज बोने का काम मनमोहन सिंह ने किया था। अब जब रघुराम राजन के ऊपर हमला बोला गया, उनके ऊपर आरोप लगाए गए और जिसके के वो जरूरी भी थे क्योंकि रघुराम राजन ने इतनी लंबी चुप्पी साधी और तब कुछ नहीं किया और बाद में जब पद से उन्हें हटा दिया गया उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी और इसको लेकर आज एक और बड़ा करारा जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने, जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, सीतारामन के नायब हैं। उन्होंने भी रघुराम राजन को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये जो रघुराम राजन कर रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली वाली बात है और वो खंभा नोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो पद पर थे तब उन्होंने कुछ नहीं बोला और उसके बाद हटने के बाद भी कुछ नहीं बोला। तमाम झूठ देश में परोसे गए एनपीओ को लेकर, तमाम कहानियां गढ़ी गई और तमाम आरोप मढ़े गए झूठे, उसके बावजूद रघुराम के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब वो राजनीति कर रहे हैं और अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करेंगे और विपक्ष में उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं, ये कहा है अनुराग ठाकुर। और वास्तव में विपक्ष में आज राजनीति करने वालों की और खासकर आर्थिक राजनीति पर बोलने वालों की बहुत कमी है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, बाल अपराधी जिन्हें कहा था सत्यपाल मलिक ने, उनको आर्थिक अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। और वैसा ही उदाहरण दिया था अभी प्रियंका वाड्रा ने, जब एक बड़े न्यूज़ को लेकर, आरबीआई को लेकर एक सोना बेचने का झूठी खबर छपी और जब आरबीआई ने उसका खंडन कर दिया, उस खंडन के 4 घंटे बाद भी प्रियंका वाड्रा ने यह कहने की कोशिश की कि देखो मोदी सरकार आपका सोना बेचने जा रही है। अब बात करते हैं कि वो दरअसल मामला क्या था। हमने आपको कई बार बताया कि मनमोहन सरकार ने देश के इतिहास का अब तक का जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे लालू का चारा घोटाला हो, केजरीवाल का चंदा घोटाला हो या शीला का कॉमनवेल्थ घोटाला हो, इन सभी घोटालों को मिलाकर जितना पैसा नहीं बनता उससे ज़्यादा बड़ा पैसे का घोटाला मनमोहन सिंह ने चुपके चुपके कर दिया था और उसी की पुष्टि रघुराम राजन ने कर दी है, क्योंकि ये 52 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक बैंकिंग घोटाला हुआ था और इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी उनकी पुराने जो कर्जे हैं उनको लिए रीराइट करके उनको कर्जे बांटे गए थे, सस्ते दर पर कर्जे दिए गए थे और उनमें से ज़्यादातर कर्जे अब डूबने की कगार पर पहुंच चुके थे जब भारत सरकार इंसॉल्वेंसी का कानून लाई और तमाम कानूनों के द्वारा इसको मोदी सरकार ने रोकने की कोशिश की है। इसकी जो तादाद है, इसका जो क्वांटम है, वो 10.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था, लेकिन अब वो घटकर 9 लाख करोड़ के आसपास आया। उसके अलावा जो संपत्तियां बेचकर, जिन जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी संपत्तियां बेचकर भी बैंकों ने पैसा निकालने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस देश, जो हमारा देश है, उसके अंदर टोटल जो सेविंग्स है, जो जनता की सेविंग होती है, वो करीब 90 लाख करोड़ रुपये के आसपास है और उसमें से बैंक्स ने, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, करीब 70 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन दे रखा है और उस लोन में से जो बड़ा हिस्सा था, 52 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटने का काम किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच।
उससे पहले जो भारत का टोटल लोन बांटा गया था पिछले 60 सालों में वो करीब करीब था 28 लाख करोड़ रुपए का, और उसका लगभग दो गुना के करीब लोन बांट दिया था मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में। और इसी को प्रधानमंत्री मोदी कई बार बैंकिंग घोटाला या फोन बैंकिंग कह के इन पर हमला बोल चुके हैं। और वो बताते हैं कि किस तरीके से तमाम फोन जाया करते थे, कभी सोनिया के पास, कभी राहुल के पास या कभी बड़रा के पास, और उनके द्वारा सिफारिश पर किसी भी बड़े सरकारी बैंक से किसी उनके चहेते लोगों को बड़े बड़े लोन मिल जाया करते थे। और कई बार तो सिफारिश की चिट्ठी लिखने का काम मनमोहन सिंह खुद करते थे, और माल्या के केस में भी यही हुआ था। देश की जनता सोचती रही कि मनमोहन सिंह एक बड़ा अर्थशास्त्री है, आरबीआई का गवर्नर रहा है, पूर्व वित्त मंत्री रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने अर्थशास्त्री होने के बजाय अनर्थशास्त्र का जो ज्ञान देश के ऊपर थोपा, उसी का नतीजा है कि 52 लाख करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए और देश के लोगों को पता भी नहीं चला। ये पता तब भी नहीं चलता अगर मोदी सरकार की बजाय कांग्रेस सरकार आ गई होती तो हो सकता है ये पता नहीं चलता, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद जब इन सब मामलों को देखना शुरू किया, जिसका जिक्र रघुराम राजन ने भी किया कि हमने शुरुआत की थी इन सभी लोन्स को क्लीन अप करने की और इसमें दोबारा से पैसा डालने की, लेकिन इस तरीके से होता नहीं है। आप जब इतना बड़ा लोन बांट देते हैं तो दोबारा से उनको रीराइट करने की बजाय फिर वसूली करनी पड़ती है, और उसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, जिसकी कदम उठाए मोदी सरकार ने। रघुराम राजन अब अपना सर बचाने के लिए उस सच को स्वीकार कर रहे हैं, और इसीलिए रघुराम राजन के ऊपर भी ये आरोप है कि जब आपको पता था कि इतना बड़ा जुर्म हो चुका, देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, इतना बड़ा घोटाला हो चुका था, तो आपको चाहिए था कि जब आपने आरबीआई के गवर्नर की गद्दी संभाली थी तभी इस सच्चाई से देश को आप वाकिफ करा देते तो शायद देश का बहुत ज़्यादा भला हो गया होता, लेकिन रघुराम राजन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए रघुराम राजन भी उन आरोपियों को बचाने का दोष रघुराम राजन के सर पर जाता है। और आज जो रघुराम राजन एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ बार बार बयान देकर, वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें पैसा मिला है, लेकिन जब निर्मला सीतारमण ने जब उनके ऊपर हमला बोला तो उन्हें फिर अपनी गर्दन फंसती हुई नजर आई और उन्होंने सफाई दे दी। अब सवाल उठता है कि पी चिदम्बरम और दूसरे जो लोग जो वित्त मंत्री रहे मनमोहन के समय पे, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था, और ऐसा क्यों किया था इसका जवाब आईएनएक्स मीडिया में चिदम्बरम के तिहाड़ जाने से मिल जाता है कि चिदम्बरम या दूसरे जो वित्त मंत्री जो रहे होंगे लोग या जो भी मंत्री थे जिनकी सिफारिशों से लोन बांटे गए, उन सभी ने ऐसा बदले में रिश्वत लेकर किया था, और ये रिश्वत कई तरीके से ली गई थी, वो जमीनों में हो सकती थी, प्रॉपर्टी में हो सकती थी और कैश में भी हो सकती थी, जैसा कि चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में किया। अब आप समझ सकते हैं कि 300 करोड़ के आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम के बेटे को जब 10 से 15 करोड़ लेने की बात सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर 52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटने के लिए कांग्रेस की जो नेहरू गांधी परिवार है या मनमोहन सिंह है, इस पूरे गिरोह को कितना पैसा मिला होगा। और कोई भी नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब भी कोई किसी को राहत देता है, टेंडर दिलाता है, फेवर करता है, तो आप निश्चित मानिए कि 10-15% का वो उसमें कमीशन खा रहा होता है। ऐसी परंपरा कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही डाली थी, और कांग्रेस की ये परंपरा आज भी मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में आप देख सकते हैं, राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां कोई भी काम बगैर कमीशन के नहीं होता। और यही वजह थी कि राजीव गांधी ने एक बार चुनावी भाषा में बोल दिया था कि हम जो पैसा भेजते हैं 1 रुपये का, वो 85 पैसे बीच में ख़त्म हो जाते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुँचते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 52 लाख करोड़ रुपए का अगर 15% भी कांग्रेस को मिला तो कम से कम यह 8-9 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध रिश्वत होती है, जिसको कांग्रेस पार्टी के तमाम छुटबैये से लेकर बड़े बड़े आला कमाल के नेताओं ने बांट कर खाया और देश की जनता को चूना लगाया। जनता को चूना इसलिए लगाया कि बैंकों में जो पैसा होता है वो आपकी जेब का होता है, आपकी बचत का पैसा होता है, और उसके ऊपर इतना बड़ा डाका का डालने के बाद संत बन जाना या ये दिखाना कि आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, तो ये वो जो कहावत है ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही कहावत सिद्ध करने की कोशिश की मनमोहन सिंह ने और वही कहावत सिद्ध की रघुराम राजन ने, लेकिन अब इनका भांडा फूट चुका है। और प्रधानमंत्री भी पहले ही कह चुके हैं कि बहुत बड़ा फोन बैंकिंग घोटाला था, निर्मला सीतारमण ने भी कहा, और आज जब सफाई दी रघुराम राजन के द्वारा तो अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया कि ये
खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। सीधे तौर पर ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ भी चूंकि अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, हम तो मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पर एक कानून बनाएं कि जो भी लोग लोन बांटने का जो घोटाला करने में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हत्या से ज़्यादा बड़ा अपराध होता है आर्थिक अपराध, और आर्थिक अपराध करने के जो दोषी है, चाहे मनमोहन हो, पी चिदम्बरम हो, रघुराम राजन हो, या सोनिया और उसका पूरा खानदान हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।